नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। 28 मई को आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए देखते हैं। शुरुआत पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से, क्योंकि देश भर में सबसे अधिक मौसमी हलचल इस वक्त पूर्वी भारत में ही देखने को मिल रही है। चक्रवाती तूफान यस और अधिक कमजोर होकर निम्न दबाव बन गया है और इस समय झारखंड व उससे सटे बिहार के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके चलते बिहार झारखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश के आसार है। पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में बारिश की गतिविधि अब धीरे धीरे कम होने लगेंगी। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर व आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। शेष मध्य प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना व आसपास के सभी इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। मुंबई में मौसम साफ रहेगा, हालांकि एक दो स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। तटीय आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। केरल की बात करें तो केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। शेष सभी भागों में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। लक्षद्वीप में कई स्थानों पर हल्की वर्षा जारी रहेगी, हालांकि एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अंत में उत्तर भारत की बात करें तो एक कमज़ोर WD उत्तरी जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है। इसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड में कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश व राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। डेली वेदर फोरकास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।